बुराई पर अच्छाई की जीत विजयदशमी पर्व पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इससे पूर्व प्रदेश के हर जिले में रामलीला मंचन शुरू किया गया है और कई जिलों में भी चल रहा है। मुरादाबाद शहर के कई स्थानों पर रामलीला मंचन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो वहीं मुरादाबाद के दिल्ली रोड पागबड़ा के नामदेव बड़ा मंदिर के मैदान में रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों ने पहुंचकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई और कहा कि इस वर्ष रामलीला मंचन को और बेहतर तरीके से करने के लिए काम किया जाएगा। कलाकारों द्वारा भी रामलीला मंचन के माध्यम से समाज में एक बेहतर संदेश देने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। पागबड़ा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष लाला पुरुषोत्तम शरण गुप्ता द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष कोविड-19 गाइडलाइन के चलते रामलीला को छोटा रूप दिया गया था, मगर इस वर्ष रामलीला को बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। कोविड-19 के दिशा निर्देशन में प्रतिदिन रामलीला का मंचन किया जाएगा। सभी कमेटी के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय निवासियों का भी भरपूर योगदान है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील भी की। रामलीला समिति का शुभारंभ पूजन रामचंद्र जी का या भूमि पूजन सब कुछ हुआ, हवन हुआ, हवन के साथ सारी कमेटी आई और पूजन करके प्रसाद वितरण करा। आज राम से शाम को रामलीला का मंचन शुरू होगा, जिसमें अनेक प्रकार की झांकियां दिखाई जाएंगी और भगवान राम का जो भी है उनका सब मुहूर्त होगा। और आगे भैया मेरे बस का ज़्यादा नहीं है, मैं बागबड़ा जनता की अपील ये शांति बनाए रखने का समय है और सालों की भांति शांति बनाए रखना है। हमें किसी प्रकार के किसी के बहकावे में नहीं आना है, नाजायज या जायज हथियार लेकर नहीं आना है मेले में। किसी से कोई झगड़ा फिसाद करने में करोगे तो अपने आप उसका करेगा, अपने आप भुगतोगे। कमेटी कोई जिम्मेवार नहीं है किसी गुंडे बदमाश की, गुंडे बदमाशों को किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। आपके रामलीला में मैदान में सबके बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था है बस। इस मौके पर श्री रामलीला समिति के संरक्षक रामबाबू भटनागर, कोषाध्यक्ष सीताराम रोहेला, महामंत्री नरेश सक्सेना, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, लाला सतपाल सिंह हुड्डा, मनीष कुमार भटनागर एडवोकेट, जयप्रकाश सिंह, तोताराम सैनी, डॉक्टर सोहन सिंह, सुनील कुमार गुप्ता, अतर सिंह, सोबरन सिंह, जयप्रकाश मंत्री सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। पागबड़ा की जनता से रामलीला मंचन के लिए अपील करते हुए रामलीला कमेटी के लाला सतपाल सिंह द्वारा कहा गया, आज हमारा भूमि पूजन हुआ है और शहर रामलीला कमेटी या बुद्ध बाजार भूमि पूजन हुआ है और वहाँ हवन हुआ है, यहाँ का शुभारम्भ होगा। पागबड़ा जनता से अपील करेंगे कि शाम को 8 बजे आए समय से और रामचंद्र जो हमारी रामलीला होगी उसका पूरा आनंद उठाए और वो दंगा फसादी जो हैं वो अपने घर रहें। दंगा फसादियों किसी यहाँ आने जरूरत नहीं है, अगर दंगा फसादी यहाँ को आएंगे तो पुलिस अपने हिसाब से उनसे एक्शन ले। कोविड नियमों का पालन करा जाए, कोविड नियमों का पालन करा जाए, मास्क, हर आदमी मास्क लगा के आवे। विधायक चुनू ब्लॉक प्रमुख और विधायक जी दोनों और चेयरमैन साहब भी, चेयरमैन साहब भी 8 बजे उद्घाटन है और आप सभी लोग आमंत्रित हैं। शकील भाई आप भी।